अरे पिटाई कर ले पहले, अरे एक सुन तो ले, एक ऐसे मार और एक ऐसे मार, अरे छोड़ दो, एक ऐसे सुन तो महाराज नहीं हो तेरा, तेरा बेटा है, मुझे पहले ढंग से मार ले। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने महिला के हाथ पकड़ के अपने गालों पर चाटा लगवा दिया। इतने पर भी बात नहीं बनी तो ऊर्जा मंत्री महिला के पैरों में सिर रख कर बैठ गए, लेकिन नाराज महिलाओं का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। दरअसल पूरा मामला हजीरा चौराहे से हटाए गए ठेले वालों से जुड़ा हुआ है। हजीरा चौराहे पर स्थित सब्जी मंडी और हाथ ठेले वालों पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें इंटक मैदान में बनाए गए हॉकर जोन में शिफ्ट करवा दिया था। इस दौरान कुछ हाथ ठेले वालों के साथ मारपीट भी की गई और उनके सामान का ठेला भी पलटा दिया गया। इस बात से हाथ ठेले वालों में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया। पुलिस प्रशासन द्वारा खदेड़ कर इंटक मैदान में भेजे जाने पर हाथ ठेले वालों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। हाथ ठेले पर व्यवसाय करने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। जब इस नाराजगी की जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को मिली तो वे गुरुवार को इंटक मैदान पहुंच गए। यहां पर उन्होंने नाराज महिला दुकानदारों से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन महिला दुकानदार ऊर्जा मंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं थी। महिलाओं का गुस्सा शांत करवाने के लिए ऊर्जा मंत्री ने बबीना वाली एक महिला के हाथों को अपने हाथों से पकड़कर अपने दोनों गालों पर एक एक चाटा भी लगवा दिया। इतने पर भी जब महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो ऊर्जा मंत्री ने अपना सिर महिला के पैरों तक में रख दिया और इसके बाद उन्होंने महिला को आश्वासन दिया कि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। अरे पिटाई कर ले पहले, अरे एक सुन तो ले, एक ऐसे मार और एक ऐसे मार, अरे छोड़ दो, एक ऐसे सुन तो महाराज नहीं हो तेरा, तेरा बेटा है, मुझे पहले ढंग से मार ले, नहीं तो हमको कल ऐसा क्यों करोगे? सुन तो ले, पहले ढंग से मार ले, फिर तेरी बात सुनूंगा मैं इत्मीनान से। नहीं, ऐसा तुम उम्मीद कर सकते हो, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा अगर ऐसी उम्मीद है। सुन तो ले, अगर ऐसी उम्मीद है अगर मैंने पिटवाया है, मेरी माँ बराबर है, मेरे ससुर भी है दुनिया में, अगर पिटवाया है तो मैं तुम्हारे साथ कल रात को भी यहाँ आया था और अभी तो तुमको बुलाने नहीं आई, मैं ही आया हूँ। और अगर तुमको लग रहा है मैं बात करूंगा, थोड़ा दुखी होगी, वो नुकसान हुआ होगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ तेरे साथ, आया हूँ, बात करूंगा तेरे। इसके बाद ऊर्जा मंत्री वहां से चले गए, लेकिन ऊर्जा मंत्री के जाते ही महिलाओं का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। महिलाओं ने मीडिया के सामने बताया कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आए तो जरूर थे, लेकिन कोरा आश्वासन देकर वापस चले गए, उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिला। कुछ महिला दुकानदारों ने तो ये तक आरोप लगाया कि मंत्री की मर्जी के बिना उन्हें हजीरा चौराहे से हटाने की कार्रवाई नहीं हो सकती थी। मेरा बबीना वाली वे आए, जैसे पहले अल्लाह मेरे पास आए, बोले जे भरो भरो, तो मैंने कि मैं राण रही कोई नहीं, अभी भरती हो, बोले हटारी कि नहीं हटारी, हटारी दो लेडीज पुलिस को ले आए, वे संग बहुत थे और उठा कर मुझे में पकड़ लिए कि तुझे अभी थाने ले चले, डंडा पर तेरे में, तो मैंने कि चलो मेरे साथ, और सौदा मेरी पूरी फेंक दी और ठेला वहाँ आ दिया मेरा पूरा, और मेरा आता 3-4 हज़ार का मेरा नुकसान पूरा फेंक दी उन्हीं ने, कह रहे बड़ी वो आई अभी तुझे ले जाओ, हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहे, हाँ मारपीट करी मेरी, दो लेडीज थी। भविष्य में आप कैसे आप काम करोगी, रोजगार कैसे करोगी? अब बता कैसे करें, मेरा अभी वो आए थे पुतमन, उनसे कहीं मेरा हरजाना दे, मैं सौदा लगा लूं, कहां से लगाऊं, कह रहे दे रहे चले गए, कह रहे अभी दे रहे और ना दिया ना कुछ। देखो 1 किलो आटे ले आने वाले हम, और हम बताओ इधर लगा लिया हम अपने दुकान, अब पुलिस वाले आएंगे, ए उठाओ उठाओ उठाओ, तो हम भाई साहब कहाँ जाएंगे बताओ? क्या 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 कुछ कल सामान उठा के फेंका, कुछ नहीं करा, कह रहे हम झूठ नहीं बोलेंगे, बस हटाओ इधर से, उठाने का इतना मौका नहीं दिया कि हम उठ के खड़े हो जाए और हम सौदा हटा लें, इतना करा, रोजी रोटी छिन गई, हाँ हमारी रोटी रोजी छिन गई। मंत्री जी कहेंगे व्यवस्था हो रही है, मिल जाएगी आपको जवाब, बस और कुछ नहीं बोले वो चले गए। हाँ क्या उम्मीद रखते हो? अरे अभी हमें तो कोई उम्मीद नहीं, हम तो बैठे हैं अभी तो ऐसी उसमें बैठे हैं, बिल्कुल कल से गए नहीं हैं हम, क्या रही कल से, बहुत बेकार स्थिति हमारी, क्या खाना नहीं खाया हम लोगों ने, ऐसे ही बैठे हैं कल से, खाली करा दिया, बता ही नहीं है क्यों खाली करा रहे हैं, बता ही नहीं रहे,
ऐसा तो कुछ कर ही रहे हैं, जब ही तो भगा दिया जैसे उधर उसको मिले ही होंगे, नहीं तो मंत्री के आगे कौन भगा सकता है? मंत्री के आगे किसी की नहीं चलेगी, कौन भगा सकता बगैर मंत्री के? क्या पता अपन क्या जाने। मेरा नाम किरण है। कुल मिलाकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की कार्यशैली महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं करवा सकी। इस मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी मीडिया को बयान देते हुए कहा कि उन्होंने खुद उस मां से कहा था कि वह उन्हें चाटा मार ले, ये उसका अधिकार है। मां से मैंने पूछा, अगर गलती हुई है तो थोड़ा सा इस बेटे को पीट ले। माँ बोली नहीं पीटूंगी, नहीं पीट ले, तो माँ का अधिकार है। तो निश्चित रूप से लोगों की दुआएं, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो लोगों की दुआ के कारण खड़ा हूँ, और वो दुआ लेने का काम ये सेवक अंतिम समय तक करे। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, कह रही है आपके इशारे पर, सरकार के इशारे पर रोजगार कर रहे हैं लोगों को। मेरा ये कहना है कि रोजगार पहले से बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले से दोनों जगह की फोटो ली जाए, अंतर देखें, सुविधा देखें। और ऐसा नहीं है कि हजीरे पे थे तो हजीरे पे ही स्थापित किए गए हैं, जनहित में फैसला लिया गया है और उनके साथ बैठ कर के बात हुई है। इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, तो मुद्दा भी कांग्रेस कुछ तो करेगी ना। अपने कामों को लेकर चर्चा में रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर चर्चा में आ गए। इस बार अपनी कार्यशैली नहीं बल्कि सरलता से उन्होंने लोगों का दिल तो जीत लिया, लेकिन ठेले वालों का दिल भी नहीं जीत पाए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।